हेलो गाइस, इस वीडियो में हम फर्जी मूवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत सनी नाम के एक आर्टिस्ट को दिखाते हुए होती है, जो कि किसी भी तरह की मशहूर पेंटिंग की हूबहू कॉपी बना सकता है। सनी के नानू की एक न्यूज़पेपर होती है जिसका नाम क्रांति होता है, जो कि इतनी अच्छी तो नहीं चलती, पर सनी और इसका दोस्त फिरोज बचपन से ही यहाँ काम किया करते थे और दोनों खाली जेब लेकर सारी चीज़ों को पैसे से तोलते थे। उनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब पे भी नहीं जा सकता था। क्रांति न्यूज़पेपर भी अब उधार के बोझ तले दब रहा था। उनके पास उधार चुकाने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त था। फिर उधार इतना था कि पूरी जिंदगी भी अगर किसी काम में लगाएं तो ये उधार नहीं चुकने वाला था। कई तरह से सोचने के बाद सनी को एक आइडिया आता है कि पैसे कमाए ही क्यों, सीधा पैसे छाप ही डालते हैं। सनी डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट था और इसका दोस्त फिरोज प्रिंटिंग में, तो यहाँ से शुरू होता है पैसा छापने का सफर। सनी नोट की कॉपी को इतनी बारीकी से करता है कि जितनी कोई हाईटेक मशीन भी नहीं कर पाएगी, और फिरोज अपनी टूटी फूटी मशीन से जुगाड़ लगाकर नोट तैयार कर देता है। लेकिन ये जब दोनों इसका फर्स्ट टेस्ट करने जाते हैं तो नोट की सच्चाई दुकानदार के सामने आ जाती है कि ये नकली नोट है। सनी और फिरोज का ये प्लान बुरी तरह नाकाम हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर पहुँच जाता है इंडिया के पड़ोसी मुल्क नेपाल में, जहाँ इंडियन पुलिस, जिसको माइकल नाम का एक पुलिस ऑफिसर लीड कर रहा था, नेपाल पुलिस के साथ मिलकर मंसूर नाम के आदमी, जो के नकली नोटों का बिजनेस चला रहा होता है, इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पर वहां से निकलते वक्त मंसूर के आदमी पुलिस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मंसूर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन्नी को अपने नोट में मौजूद कुछ कमी का पता लग जाता है, जो कि कोई डिजाइन की कमी नहीं होती बल्कि नोट में होने वाले पेपर की कमी होती है। इसके बाद सनी और फिरोज हर टाइप का पेपर टेस्ट करके एक फाइनल पेपर तैयार कर लेते हैं। दोबारा नकली नोट बनाकर वो चेक करने के लिए फिर से दुकान पर जाते हैं और ये नोट अब की बार चल जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक गवर्नमेंट ऑफिस पर पहुंच जाता है, जहां मेगा नाम की एक RBI ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि नोट पकड़ने के लिए एक नई चिप CT 600 के बारे में सब कुछ बता रही थी, पर कोई भी इस पर इतना ध्यान नहीं देता सिवाय पुलिस ऑफिसर माइकल के, जो कि वहां अपने लिए स्पेशल टीम मांगने आए थे, जो कि उसे नकली नोट के बिजनेस को खत्म करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिरोज और सनी अपने नकली नोट के लिए एक डीलर के पास जाते हैं, जो कि इन्हें 2 करोड़ के नोट बनाने का ऑर्डर देता है। वो लोग ये ऑर्डर ले तो लेते हैं, फिर सवाल ये था कि इस ऑर्डर को पूरा कैसे करें, क्योंकि ना तो इनके पास कोई मशीन थी और ना ही मशीन को खरीदने के लिए पैसे। वो वापस उसी इंसान के पास जाते हैं जिसका इन्हें उधार चुकाना था और उससे ऊपर से और उधार मांगते हैं। फिर अब की बार सारा उधार 2 महीने में चुकाने की बात पर उन्हें उधार मिल जाता है। सनी अपने चाचा यासिर को अपने साथ इस काम में शामिल कर लेता है और उनकी असली न्यूज़पेपर की क्रांति छापती है नकली क्रांति, यानी पैसा। वो लोग अपना ऑर्डर भी पूरा कर देते हैं और सारा उधार भी चुका देते हैं, और इसी चीज की खुशी में सनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगी होटल में डिनर के लिए ले जाता है और वहां पर भी इन्हीं नकली नोटों का इस्तेमाल करता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस वक्त उसी सेम होटल में RBI ऑफिसर मेगा भी आई हुई है, जिसके हाथ ये नोट लग जाता है और वो हाथ लगाते ही इसको पहचान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर माइकल को स्पेशल टीम बनाने की परमिशन मिल जाती है, जिसमें के वो मेगा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सनी और फिरोज को इधर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, पर इसे पूरा करने के लिए उन्हें वो स्पेशल पेपर चाहिए था जिसके लिए वो एक बूढ़े आदमी के नाम पर कंपनी बनाते हैं और पेपर कंपनी से पेपर एक्सपोर्ट करवाते हैं। मेगा ने टीम ज्वाइन तो कर ली थी, लेकिन उसे वहां कोई काम नहीं दिख रहा था। होटल पर पकड़े नोट को बनाने के पीछे इसे प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों पर शक था, पर वो जब माइकल को प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी लेने के लिए कहती है तो माइकल इसे साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ मंसूर को पकड़ने पर था। मेगा माइकल के ऑर्डर को नहीं मानती और चोरी से इसके ड्रोर से इसका ID लेकर पुलिस के साथ खुद तलाशी लेने के लिए निकल पड़ती है और पहुंच जाती है क्रांति न्यूज़पेपर की प्रेस के पास, जहां अंदर सनी, फिरोज और यासिर चाचा नोट प्रिंट कर रहे थे। वो लोग पुलिस को बाहर देखकर डर जाते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ छुपाने लगते हैं। यासिर चाचा जितना हो सके पुलिस को बाहर रोक के रखते हैं। फिर इससे पहले के मेगा और तलाशी कर पाए, उसे माइकल का फोन आ जाता है,
जिसे उसकी इस हरकत का पता चल जाता है। पुलिस वहां से चली जाती है, जिससे सनी और फिरोज बच जाते हैं। इस वाकये से यासिर चाचा बहुत डर जाते हैं और सनी के नानू को इन सब बातों के बारे में बता देते हैं, जो कि सनी और फिरोज को अपनी प्रेस से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद सरकार मेगा की मशीन को धन रक्षक नाम से पूरे मुल्क में लॉन्च कर देती है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित होती है। अब चारों तरफ नकली नोट पकड़े जाने लगे थे। सनी को दूसरी तरफ खबर मिलती है कि उसके नाना कहीं खो गए हैं और काफी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। सनी और फिरोज दोनों उनकी तलाश करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, पर वहां सनी उनसे बदतमीजी कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें ही उल्टा हवालात में डाल दिया जाता है। उनके जेल से निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि सनी के नाना को भूलने की बीमारी हो चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल रहे थे। वो ये भी भूल चुके थे कि उन्होंने सनी को प्रेस से बाहर निकाल दिया है। सनी अपने नाना के लिए अपने फर्जी नोट के काम को बंद कर देता है, पर यह चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि हर जगह नकली नोट पकड़े जाने की वजह से मंसूर बहुत परेशानी में आ गया था। पर उसे वहां सनी के नोट के बारे में पता लग जाता है, जो कि मशीन भी नहीं डिटेक्ट कर पा रही थी। मंसूर सनी और फिरोज को दोनों को अगवा कर लेता है और सनी को अपने लिए काम करने के लिए मनाता है। पहले तो सनी इसे मना कर देता है, फिर वो किसी तरह इसे मना ही लेता है। सनी मंसूर के लिए 2000 का नोट डिजाइन करता है, जिसके बदले वो इसके नाना का इलाज करवाता है। पर इधर माइकल की टीम को मंसूर के राइट हैंड बिलाल के बारे में पता लग जाता है, जो कि नए 2000 के नोटों को बांग्लादेश से इंडिया के अंदर पहुंचाने आया था। माइकल और उसकी टीम बांग्लादेश में इसे पकड़ लेती है, जिसका पता लगने के बाद सारा नाम की एक औरत मंसूर के पास आती है और वो इससे पूछती है कि अब वो हाई कमांड को क्या जवाब देगा और कैसे स्लोस को कवर करेगा। वो इससे बिलाल का रिप्लेसमेंट मांगती है, जिस पे मंसूर उसे ये कहता है कि उसके पास इसका रिप्लेसमेंट पहले से ही मौजूद है, जो कि था सनी। मंसूर सनी को मिलने मुंबई जाता है और उसे बताकर माइकल की टीम का कुछ करने के लिए कहता है। इधर माइकल को बिलाल के पर्स से वो नकली 2000 का नोट मिल गया था। इसको मशीन तो क्या खुद मेगा भी नहीं पहचान पा रही थी, और इसे ही वो कहते हैं सुपर नोट, सनी का सुपर नोट। बिलाल माइकल को मंसूर के नए आर्टिस्ट के बारे में बताता है कि इसके आदमी ने ये नोट डिजाइन किया है। हम देखते हैं कि सनी माइकल की टीम का कुछ करने के लिए मेगा से मुलाकात करता है और वो इसे एक कैफे में मिलकर अपनी करीबी बढ़ाता है। मेगा को इस शहर में एक घर चाहिए था, जो कि दिलवाने में सनी इसकी मदद करता है, और वो इन्हीं सब के बीच एक ट्रैकर भी इसके फोन में इंस्टॉल कर देता है, जिससे उसके फोन के मैसेज और कॉल अब सनी पर पाएगा। पर दूसरी तरफ बिलाल के पास भी सनी का एक खबरी था। मंसूर सनी को 12,000 करोड़ 2000 के नोट इंडिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी देता है, जिसे लाने के लिए सनी को एक रूट डिसाइड करना था। पर वो जो भी रूट डिसाइड करते थे, खबरी की वजह से इसकी खबर माइकल और इसकी टीम तक पहुंच जाती थी और मेगा के फोन से वापस सनी के पास। वो जिस रूट की भी बात करते थे, माइकल इसकी सिक्योरिटी बढ़ा देता था। ना ही सनी को समझ आ रहा था कि माइकल के पास ये खबर कैसे पहुंच रही है, और ना ही माइकल को ये पता चल रहा था कि सनी को सिक्योरिटी की खबर कैसे मिल रही है। सनी और मंसूर बिल्कुल नए रूट से ही पैसा ले जाने का प्लान बनाते हैं, जो कि था एक शिप के जरिए। वो लोग उमान में कैप्टन ताल से मिलते हैं, जिसके साथ एक शिप लेकर इंडिया के लिए निकलते हैं। पर रास्ते पर ही ताल सनी को ड्रग्स दे देती है, जिसके नशे से जब सनी उठता है तो इसे तब पता लगता है कि जहां इन्होंने पहुंचना था वहां पहले से ही पुलिस खड़ी है, तो इन्हें अपना रास्ता बदलना होगा। फिर अब इनके पास ये करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, तो सनी बीच समंदर में ही नोट्स के कंटेनर को उतारकर शिप से भाग निकलता है और कुछ देर के बाद वापस आकर समंदर से सारा पैसा निकाल लेता है। और अब इनके पास होता है पैसा ही पैसा, जिससे वो अपने सारे शौक पूरे करते हैं। ये काम पूरा होने के बाद भी सनी मेगा से बात करना पसंद नहीं करता, जिससे उनकी करीबियां बढ़ती ही जाती हैं। सनी उसके फोन से वो ट्रैकर तक डिलीट कर देता है। मंसूर के लिए सनी को अब एक और काम करना था, जो कि था सभी नोट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। सनी ये काम तो कर रहा था, लेकिन इसे ज्यादा टाइम लग रहा था, जो कि मंसूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मेगा को इधर सनी के बनाए गए नोट में कुछ खास देखने को मिलता है, जो कि था एक छोटा एस का साइन।
और इससे वो दोनों मंसूर के नोट और इस होटल से मिलने वाले नोट आपस में मिलते हैं, जिससे उन्हें ये पता था कि ये दोनों नोटों का आर्टिस्ट सेम है। वो लोग इसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो इसे पुराने डीलर की मदद से उसे ऑर्डर लेने के लिए बुलाते हैं। सनी और फिरोज ऑर्डर लेकर पहुंचते तो हैं, पर सनी जब मेगा को देखता है तो वहां से भाग लेता है। फिर इसी बीच माइकल इनके चेहरे देख लेता है। पुलिस अब इनके गाड़ी के पीछे लग गई थी, जिनसे पीछा छुड़वाने के लिए वो 2000 के नोटों को बीच रोड पर ही गिरा देते हैं, जिससे वो तो बच जाते हैं लेकिन उनके नोटों की खबर चारों तरफ फैल जाती है। मंसूर का नाम भी अब मीडिया में आ गया था, जिसकी वजह से उसे हाई कमांड से धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। मंसूर सनी और फिरोज को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसे पूरा करने के लिए मंसूर के आदमी सनी और फिरोज को कुछ बताए बगैर एक जगह पर लेकर जाते हैं और उनके सर पर बंदूक तान देते हैं। पर इससे पहले के वो कुछ कर पाए, इससे पहले सनी के दोस्त वहां आकर इसे बचा लेते हैं। वहां से निकलने के बाद सनी को खबर मिलती है कि क्रांति न्यूज़पेपर में आग लगने की वजह से उसके नाना की मौत हो गई है, और वो इसी चीज का बदला लेने के लिए वो निकल पड़ता है उस जगह के लिए जहां 2000 के नकली नोट स्टोर थे, और एक एक करके सबको मार देता है और मंसूर को वीडियो कॉल करके इसके सामने ही सभी नोटों को आग लगाकर खाक कर देता है। दोस्तों, इसके साथ ही ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होती है, पर ये कहानी नहीं, इस सीरीज़ का अगला सीज़न आते ही हम आपको बताएंगे आगे की कहानी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।